ABC आज हम देखेंगे कि एक वॉकी टॉकी ठीक किस तरीके से काम करता तो है। इसलिए मैंने एक 433 मेगाहर्ट्ज वाला एक RF फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ले लिया है। दोस्तों हमारे वॉकी टॉकी को हम लोग कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि ये रिसीवर हर वक्त ऑन रहेगा, लेकिन ये जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर एक पुश स्विच लगा देंगे तो जब हम बात करेंगे तभी ये ऑन रहेगा। दोस्तों इस एंटेना को बनाने के लिए मैंने जिस कॉपर वायर को लिया है इसका गेज बहुत ही कम है, तो इसलिए मैंने बाद में इसका मोटा गेज वाला कॉपर वायर से चेंज कर दिया। दोस्तों ये मॉड्यूल ज्यादातर आर्डिनो में यूज होता है, लेकिन आर्डिनो से मुझे थोड़ा एलर्जी है इसलिए मैं आर्डिनो को यूज नहीं करता। दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो इस ट्रांसमीटर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, एक 433 मेगाहर्ट्ज वाला ऑसिलेटर, दो ट्रांजिस्टर, कुछ सिरेमिक कैपेसिटर और रेजिस्टर। दोस्तों वॉकी टॉकी बनाकर फुल सेटअप वाला वीडियो मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारतीय लड़कों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रति प्रेम पैदा करना।